हेलो एवरीवन मैं हूं गीता शर्मा नॉन एटिव आयल्स मैं आयल्स ट्रेनर हूं जिन्हें टेन इयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है मैं सर्टिफाइड हूं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस आईडीपी एंड ब्रिटिश काउंसिल के द्वारा मैं यहां पे कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स लेके आई हूँ रीडिंग की बट डिटेल में नहीं है ये स्पेसिफिक वीडियो अगर आप मेरी डिटेल्ड वीडियो इंग्लिश में एंड पंजाबी में देखना चाहते हो तो मैं कमेंट बॉक्स में उनका लिंक जरूर शेयर कर दूंगी ये स्पेसिफिक वीडियो काफी रिक्वेस्टेड है बाय माय स्टूडेंट्स मेरे बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि आप जनरली इंग्लिश एंड पंजाबी में वीडियो बनाते हो आप हिंदी में भी कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स बताओ रीडिंग में हमें क्या करना चाहिए अब अगर आप ध्यान दो आजकल जितने पास्ट एग्जामिनेशन आए हैं Uh, ले लो आप दो तीन जो एग्जामिनेशंस थे रीडिंग के आईएलएस एग्जाम वो काफी डिफिकल्ट पैसेजेस के साथ आए थे एंड ये मैंने एक्सपीरियंस किया है मैंने देखा है बच्चों के स्कोर्स उनको काफी कम स्कोर्स बेसिकली दिए जा रहे थे क्या वो कोई रणनीति खेल रहे हैं केम्ब्रिज क्या आई डी पी बच्चों को नहीं चाहते कि वो मूव करे ऐसा कुछ नहीं है बेसिकली ये सब रियुमर्स हैं, अफवाहें हैं आपको इन सारी चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए ये वीडियो उनके लिए भी काफी हेल्पफुल होगी जो पहली बार आय करने जा रहे हैं एंड उन्हें रीडिंग मोड्यूल काफी डिफिकल्ट कठिन लगता है कोशिश करें कि ये वीडियो ध्यान से देखें आपको ये वीडियो क्यों देखनी चाहिए क्योंकि ये वीडियो एक ऐसे स्पेसिफिक पर्सन के द्वारा बनाई जा रही है जिन्होंने नौ बैंड स्कोर किया है आई हैव स्कोर नाइन बैंड एंड मैं पूरी कोशिश करूंगी जो ट्रिप्स एंड टेक्निक्स स्ट्रेटेजीज जो मैं ध्यान में रख के एग्जामिनेशन दे के आई थी वो बातें मैं संक्षेप में आपको बताऊं डिटेल में ना जाके मैं रिपीट कर रही हूं आप अगर डिटेल में यही चीजें किसी और लैंग्वेज में दैट पंजाबी या इंग्लिश में देखना चाहते हो तो मैं कमेंट बॉक्स में ये स्पेसिफिक वीडियोस के लिंक जरूर दे दूंगी मेंशन कर दूंगी ओके okay. बिना और देरी किए मैं आपको स्पेसिफिक टेक्निक्स पे लेके जाती हूँ लेट्स गोके सो so, अब हम बात करते हैं उन टेक्निक्स की जिन्हें आपको अप्लाई करना है जब भी, भी आप रीडिंग करते हो सबसे पहली टिप है पैटर्न को अंडरस्टैंड करना अंडरस्टैंड करना पैटर्न को पैटर्न क्या होता है आपको जबी भी रीडिंग दिया जाएगा रीडिंग के तीन पैसेजेस एकेडमिक स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं जबकि जो जीटी के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें पांच पैसेजेस मिलते हैं येस यू हर्ड मी राइट पांच पैसेज़ेस इन द सेंस आपको पहले चार पैसेजेस काफ़ी छोटी लेंथ में मिलेंगे काफ़ी इजी होते हैं ज़्यादातर एडवर्टिजमेंट्स के टॉपिक्स पे रिलेटेड होते हैं जो आपका लास्ट पैसेज होता है वो काफ़ी लेंथी होता है एंड एकेडमिक से जीटी, वैसे ही माना जाता है कि काफ़ी आसान है बट मैं कहूँगी जीटी की रीडिंग ट्रिकी होती है एकेडमिक के मुकाबले एकेडमिक डिफिकल्ट इसलिए है रीडिंग क्योंकि उसमें वैकैबलरी डिफिकल्ट दी जाती है तो आपको पैटर्न समझना है कि आपके कितने सेक्शंस होंगे सेक्शंस में के कितने वर्ड्स बेसिकली आएंगे एंड वो कॉम्प्रिहेंशन दैट इज पैसेज के साथ कौन कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे या आएंगे और उन्हें आपको कैसे करना चाहिए दूसरी टिप जिस पे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं वो है मिस्टेक्स अवॉइड करना अब इनमें से सबसे जरूरी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं ऑफन रिपीट करते हैं अक्सर रिपीट करते हैं दोहराते हैं वो है इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ना करना यस yes. इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं ज्यादातर रीडिंग के पैसेज के क्वेश्चन के हेडिंग में मैंशन किया जाता है टू और मोर वर्ड्स नो मोर देन थ्री वर्ड्स और अ नंबर जो मैंने शब्द अभी फिलहाल बताए इंस्ट्रक्शंस ये इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना हमें रिलीजियसली पड़ता है दैट मीन्स ध्यान से हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए अगर किसी प्रश्न का उत्तर सिर्फ नंबर है राइट right? एंड हम उसे वर्ड में लिख देते हैं जबकि ऑप्शन वर्ड्स का है ही नहीं सिर्फ इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है नो मोर देन थ्री वर्ड्स तो आपका आंसर गलत माना जाएगा एंड आपको बैंड नहीं मिलेंगे यस yes. एक और मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो है ओवर राइटिंग करना दैट इज बहुत ज्यादा डार्क लिख देना रब करना जानवरों की तरह राइट right? एंड उसे फिर से प्रॉपरली उसके ऊपर और लिख देना क्लैरिटी अगर आपके आंसर में नहीं होगी भले ही आप पेंसिल से लिखते हो या पेन से लिखते हो येस यू हर्ड मी राइट आप पेन से भी लिख सकते हो अपने आंसर्स अगर आप पेन से लिख रहे हो एंड आपको रब करना पड़ा कोई आंसर वैसे ये बेसिकली पॉसिबल नहीं होता है बट बच्चे काफ़ी ज़्यादा डर्टी कर देते हैं कोशिश करो इस चीज़ को अवॉइड करने की तीसरी जो मिस्टेक ज्यादातर बच्चे करते हैं वो है लीव कर देना आंसर्स को यस यू हर्ड मी राइट आपको कोशिश करनी चाहिए क्योंकि ये कोई कंपेटिटिव एग्जामिनेशन नहीं है गवर्नमेंट का जिसमें आपके पॉइंट फोर फाइव कट हो रहे हैं डिडक्ट हो रहे हैं आपको मार्क मिलेगा अकॉर्डिंग टू द बैंड कैलकुलेटर जो आइएस का होता है अगर आप चाहते हो उसको फॉलो करना तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी इस डिस्क्रिप्शन में अब चलते हैं हम अपनी तीसरी टिप के तरफ तीसरी टिप जो है वो है अपने पे बिलीव करना अपनी काबिलियत पे विश्वास करना यस यू हर्ड मी राइट आपको ध्यान देना चाहिए अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसने दूसरी बार या तीसरी बार पेपर दे चुके हो बट आपके बैंड्स नहीं आ रहे हैं रीडिंग में तो आपको ध्यान देना चाहिए कि आप जो मिस्टेक्स कर रहे हो वो शायद focus ना होना या फोकस ना होने की वजह से है आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने दिमाग को समझाओ अपने आप को समझाओ कि मैं शायद ध्यान नहीं दे रहा जस्ट बिकॉज सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एनजाइटी या टेंशन में हूँ आपको ज़्यादातर चिंतित नहीं होना चाहिए जब भी आप कोई भी स्पेसिफिक मॉड्यूल करते हो क्योंकि रीडिंग एक सबसे डिफ़िकल्ट मॉड्यूल माना जाता है इस वजह से आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको अपनी प्रैक्टिस पे एंड अपने पोटेंशियल पे अपनी काबिलियत पे पूरा भरोसा होना चाहिए एंड इसके लिए आपको प्रैक्टिस करते करते देखना चाहिए कि आप कितने बैंड्स ला रहे हो मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी मैं जब तैयारी कर रही थी आयल्स की तो मैं क्या करती थी बेसिकली मैं चार डिफरेंट सेक्शंस हर एक दिन लिखती थी फिल करती थी एक बॉक्स बना लिया था मैंने चार डिफरेंट सेक्शंस का एंड डिवाइडेड इंटू फोर डिफरेंट सेक्शंस उसमें एल आर डब्ल्यू एस लिखती थी मैं दैट इज लिस्निंग में कितने आए रीडिंग में कितने आए राइटिंग में कितने आए स्पीकिंग में कितने आए और जब मैं ये मैंशन करती थी तो मैं रोज़ ओवरऑल निकालती थी क्योंकि बेसिकली ऐसे ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है बुधवार शनिवार राइट उस दिन आपका मॉक टेस्ट लिया जाता है बट एक वीक में सिर्फ दो दिन मेरी परफॉर्मेंस मुझे फुलफिल या यू कैन से सेटिस्फैक्शन नहीं दे रही थी संतुष्टि नहीं दे रही थी तो मैं हर एक दिन कर रही थी प्रैक्टिस देखने की कि मैं लिसनिंग रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग अगर मैं चारों मॉड्यूल्स में जितना करती हूँ मेरे टोटल स्कोर्स कितने आते हैं और इससे मैं एक महीने में अपने आप को प्रिपेयर कर पाई कि मैं नाइन बैंड स्कोर कर सकूँ रीडिंग में येस yes. ये इम्पॉसिबल नहीं है रीडिंग में नाइन बैंड स्कोर करना पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कुछ स्पेसिफिक चीजों पे उससे पहले बेसिकली कि कौन कौन सी चीजें हैं आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्या आप अपने पे पूरा विश्वास कर रहे हो क्या आप अपनी काबिलियत पे पूरा विश्वास कर रहे हो ध्यान दो और कोशिश करो कोशिश करते रहो आप जरूर अचीव करोगे अब हम कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स की बात करेंगे जिनको करना चाहिए एंड जिनको नहीं करना चाहिए वो स्पेसिफिकली अराउंड दस टेक्निक्स हैं प्लीज़ इन्हें ध्यान से फॉलो करना और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि कोई भी आपको रोक नहीं सकता अच्छे स्कोर्स अचीव करने पे एंड अपना ड्रीम स्कोर लेके अपने ड्रीम कंट्री तक माइग्रेट करने में लेट्स मूव पहला स्पेसिफिक चीज जो आपने नहीं करनी है वो सिर्फ बैठ के प्रैक्टिस टेस्ट करना यस डोंट जस्ट सिट डाउन एंड टेक अ प्रैक्टिस टेस्ट अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप खड़े होकर प्रैक्टिस टेस्ट दो राइट यू गेटिंग माई पॉइंट अगर आप समझ रहे हो मेरी बात को कोशिश करो सिर्फ प्रैक्टिस टेस्ट पागलों की तरह मत दिए जाओ आपको ये देखना चाहिए जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी तो मैं दो तीन प्रैक्टिस टेस्ट लिखने के बजाए सिर्फ एक प्रैक्टिस टेस्ट को ही दो बार करती थी और देखने की कोशिश करती थी कि मैं कहां पे गलत हूँ तो आपको ये स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी पे ध्यान देना चाहिए दूसरी कोशिश करो अपने आप के साथ ऑनेस्ट होने की ये मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलती हूँ अगर आप अपने आप से ऑनेस्ट नहीं हो आप किसी के साथ भी ऑनेस्ट नहीं हो सकते आपको अच्छे स्कोर्स पर नहीं आ सकते तो कोशिश करो अपने आप को चीट मत करो अपने आप को मार्क दे के अब मैं क्या बात कर रही हूँ पिक्चर मैंने और लगाई है इसमें और मैं बात कर रही हूँ अपने आप को चीट करना मेरा मतलब ये है अगर मैं सिंप्लीफाइड तरीके से आपको समझा सकूँ जब भी आप पेपर करते हो एक रीडिंग टेस्ट करते हो बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन सीखते हैं मैं भी ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रही हूँ अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हो टू आस्क क्वेश्चन ओके अगर आप अपने आप को चीट करते हो अपने आप को एक मार्क दे के फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी स्पेलिंग में मिस्टेक है किसी आंसर में फॉर एग्जाम्पल अगर आपने फार्मिंग लिखा है एंड फार्मिंग की स्पेलिंग इनकरेक्ट है आपने ब्लॉक लेटर या कैपिटल लेटर में नहीं लिखा कैपिटल अक्षरों में नहीं लिखा एंड आपने रनिंग हैंड जल्दी जल्दी कोई आंसर लिख दिया अगर हम एज एन एग्जाम्पल ले ये वर्ड चीट एंड आप जल्दी जल्दी लिखते लिखते सी एच ई ए टी की जगह सी एच डबल ई टी लिख गए यह आपका करेक्ट आंसर था चीट एंड आप का जो इनकरेक्ट आंसर है जो एग्जामिनर को देखेगा वो होगा डबल ई e के साथ क्योंकि आपने भले ही आप अपने अकॉर्डिंगली ही आंसर दिया बट क्योंकि आप बहुत पैनिक हो गए आपके पास टाइम नहीं था ट्रांसफर करने का एंड आपने स्पेलिंग इनकरेक्ट कर दी आपका आंसर गलत हो जाएगा अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कोई बात नहीं मैं उस टाइम तो ऐसे सोच रहा था अब तो मुझे पता ही है कि मैंने मुझे मिल गया था आंसर लोकेशन मिल गया था मैं चीट को सही कर देता हूँ ये गलत होगा डोंट डू दैट ऐसे मत करो कोशिश करो जब भी आप आंसर कोई भी सॉल्व कर रहे हो ट्रांसफर शीट लेके सॉल्व करो मेंशन करो आंसर्स ट्रांसफर शीट पे क्योंकि एग्जाम में भी ऐसा होगा अगर आप ट्रांसफर शीट नहीं प्रिंट करवा सकते अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी नोटबुक ले लो वन टू फोर्टी लिख लो एंड उस पर आंसर्स लिख लो एंड चेक करने के टाइम पे अपने साथ पूरे तरीके से ईमानदार रहो ये बहुत जरूरी है अगर हम दूसरी टेक्निक पे चले आपको पता होना चाहिए कि आपके कौन से क्वेश्चन टाइप्स गलत हो रहे हैं यस yes. अब ये बात मैंने एक और वीडियो में की है बट डिटेल तरीके से की है यहाँ पे अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दू अगर आप ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में किसी क्वेश्चन में बार बार गलती कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका क्वेश्चन है न्यूक्लियर बॉम्ब का इन्वेंशन हुआ था 1990 में, और आपके पैसेज में लिखा हुआ है कि न्यूक्लियर बॉम्ब का इन्वेंशन हुआ था 1980 में तो आपका कौन सा पार्ट इनकरेक्ट है यस yes, आपका ऑब्जेक्ट सेंटेंस का जो र मेंशन किया हुआ है वो बिल्कुल अलग है और क्योंकि आपका यर बिल्कुल अलग है आपको वो आंसर फॉल्स करना चाहिए बहुत सारे क्वेश्चंस एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी या टेक्निक फॉलो करते हैं आपको वो ध्यान में लाना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन टाइप मैं ज़्यादातर गलत करता हूँ और कौन सा क्वेश्चन टाइप है जो मेरे बच्चे इनकरेक्ट करते हैं ज्यादातर या कन्फ्यूज हो जाते हैं एम सी क्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या हेडिंग्स उन्हें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें कुछ क्वेश्चन में तो मैं भी उन्हें यही सलाह देती हूँ कि आप सेम रीडिंग को दूसरी बार करें कुछ बच्चे समझते हैं कुछ बच्चे मेरी बात मानते हैं कुछ नहीं मानते क्यों क्योंकि उन्हें लगता है कि नहीं नहीं बहुत बोरिंग है मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ कि ये बहुत बोरिंग टेक्निक है बट अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको स्कोर्स नहीं आएंगे इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप स्ट्रैटेजीज भी सीखो एंड प्रैक्टिस भी करो लेट्स मूव आपको स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी सीखनी पड़ेगी अब इसका मतलब क्या है स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी का मतलब है कुछ क्वेश्चन टाइप्स कुछ ऑर्डर फॉलो करते हैं कुछ क्वेश्चन टाइप्स कुछ ऑर्डर फॉलो करते हैं इवन आपको सुन के हैरानी होगी आपके पैसेजेस भी कुछ ऑर्डर फॉलो करते हैं कोई ज़्यादा डिफिकल्टी वाला होता है कुछ कम डिफ़िकल्टी वाले पैसेजेस होते हैं वो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आप एक अच्छे रिलायबल पर्सन की फीडबैक ले सकते हो जिन्हें एक्सपीरियंस है आप अगर मेरी कोचिंग चाहते हो तो आप कम्युनिकेट कर सकते हो मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो कॉमेंट बॉक्स में भी मैंशन कर सकते हो बट कोशिश करो कि एक रिलायबल फीडबैक जरूर लो एक पर्सन से जरूर पूछो जिन्हें एक्सपीरियंस है इस फील्ड में एटलीस्ट कुछ ईयर्स का ताकि वो बता सके आपको कि स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी क्या होती है एंड आपको कौन से ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए रीडिंग में अच्छे स्कोर्स लाने के लिए एक चीज़ जो आपको मुझे लगता है करनी चाहिए वो है इंग्लिश में पढ़ाई करना कोशिश करो ज़्यादातर बच्चे जो इंडिया में होते हैं या और किसी कंट्री किसी कंट्री में होते हैं जहाँ पे इंग्लिश एक नेटिव लैंग्वेज नहीं है और ज़्यादातर बोली नहीं जाती उन कंट्रीज में बच्चों को इंग्लिश बोलने में काफ़ी तकलीफ होती है मैंने ये देखा है कि बहुत सारे बच्चों को कठिनाई होती है इंग्लिश में प्रॉपरली बोलने में तो आप क्या कर सकते हो आप इंग्लिश में स्पीड रीडिंग कर सकते हो स्पीड रीडिंग इन द सेंस आप ऊंचे स्वर में और जल्दी जल्दी एक पैसेज ले लो जो आप रीड कर सको अगर आप किसी कोचिंग सेंटर में हो अगर आप घर पे ऑनलाइन बैठ के पढ़ना चाहते हो मैं बता दूं, मैं भी ऑनलाइन कोचिंग देती हूँ अगर आप ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हो तो आप कम्युनिकेट कर सकते हो मेरे साथ लेट्स मूव मैं बता रही थी कि आप अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो और आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ज़्यादा पसंद नहीं है और आप फैशन में इंटरेस्टेड हो तो आप फैशन से रिलेटेड कोई भी मैगजीन एक स्पेसिफिक मैगजीन ले लो आपको ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है आप उस मैगजीन के एक एक आर्टिकल्स हर एक दिन पेज वाइज पढ़ सकते हो बट शर्त यह है कि आपको ऊंचे स्वर में और जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ेगा कुछ दिन कोशिश करो कि जब आप पढ़ रहे हो वो स्पेसिफिक कंटेंट तो आप समझने की उसको कोशिश मत करो और दूसरे हफ्ते से दैट इज सात दिनों बाद सात आठ दिनों बाद एक नई दैट इज सेकंड स्पेसिफिक मैगजीन ले लो जो फैशन से रिलेटेड है एंड अब थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करो नोटिस करो कि आपकी स्पीड कम होती है या वही है या बहुत नॉर्मल है बहुत स्लो है जो बच्चे स्पीड रीडिंग प्रैक्टिस करते हैं उनके बैंड्स अच्छे होते हैं मुझे वैसे बुक्स पढ़ने का काफी शौक है बट ये जरूरी नहीं है कि हर एक बच्चे को हो राइट right? तो आप वो कंटेंट रीड कर सकते हो जिसमें आपको इंटरेस्ट है सो रीड एनीथिंग कुछ भी पढ़ो बट वो इंग्लिश में होना चाहिए वकेब्लरी बहुत जरूरी है यस यू हर्ड मी राइट ये जी टी एंड एकेडेमिक दोनों ही टेस्ट में अप्लाई करता है आपकी वोकैबलरी आपके रीडिंग का स्तंभ या फाउंडेशन है ये बहुत जरूरी है ध्यान में देना कि आप जो वोकेबलरी एक सेंटेंस में पढ़ रहे हो उसका मीनिंग क्या है इसके दो मेनली ऑप्शन हैं जो आप फॉलो कर सकते हो एक ऑप्शन जो आप जनरली फॉलो कर सकते हो एंड वो थोड़ा सा सरल है वो है कि सेंटेंस में गेस कर लेना कि ओके okay, इसका मतलब ये होगा बट ये एग्जाम में क्या ज्यादा हेल्प करेगा ये एग्जाम में कभी कभी हेल्प जरूर कर सकता है सेकंड जो ऑप्शन है भले ही वो थोड़ा सा कठिन है उस पर प्रैक्टिस लगेगी बट वो आपको रिलायबल फीडबैक या यू कैन से रिलायबल रिजल्ट्स देगा क्यों क्योंकि दूसरा ऑप्शन है एक स्पेसिफिक नोटबुक मेंटेन करना एंड उस स्पेसिफिक नोटबुक में आप रोज जो रीडिंग करते हो उसके वर्ड्स लिख लेना ये बहुत ज़रूरी है मैं आपको गारंटी देती हूं अगर आप एक वकेबरी नोटबुक मेंटेन करते हो ये जनरली मैं अपने हर बच्चे को मेंशन करती हूँ सजेस्ट करती हूँ एंड मेरे काफी बच्चों ने नाइन बैंड स्कोर किए हैं ये सारी स्ट्रेटजीज़ फॉलो करके कोशिश करो कि वकेबरी नोटबुक मेंटेन करो क्योंकि अब अगर आप इस पिक्चर में देख सकते हो एक एनिमेटेड कैरेक्टर है उसके पास तीन डिफरेंट वर्ड्स है नाउन वर्ब एडजेक्टिव जिसे हम विशेषण कहते हैं एडजेक्टिव, राइट right? नाम नाउन वर्ब क्रिया हमें एक स्पेसिफिक शब्द के थ्रू बताना होता है कि कार्य क्या हो रहा है आपने हर एक बच्चे ने सेंटेंस जरूर पढ़े होंगे कि सेंटेंस क्या है या पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर मैं बताऊं राइट right? तो आपको ध्यान में देना पड़ेगा कि सेंटेंस में किसी एक शब्द का मतलब राइट right? मींस उसका अर्थ क्या है आपको वो अर्थ निकालना पड़ेगा आप कौन सी डिक्शनरी फॉलो करो उसके लिए अगर आप वोबरी नोटबुक मेंटेन कर रहे हो कोशिश करो कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी फॉलो करो क्योंकि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ज्यादातर नेटिव स्पीकर्स फॉलो करते हैं कैम्ब्रिज इज ऑल एग्जामिनेशन ज्यादातर वर्ड्स उनमें से पिक करके देते हैं आप उसे फॉलो कर सकते हो उसे फॉलो करने में एक पॉकेट डिक्शनरी आती है छोटी सी सौ रुपए की आ जाती है आराम से आप उसे फॉलो कर सकते हो मैं भी पॉकेट डिक्शनरी कैरी करती थी ताकि मेरे लिए काफ़ी कन्वीनियंट हो मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए आप हमेशा याद रखो आपको प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए वकैबलरी की नोटबुक मेंटेन करने के बाद कोशिश करो ईच एंड एवरी डे हर एक दिन हर एक दिन कोशिश करो उसे ध्यान से रिव्यू करो पढ़ो डोंट जस्ट डू एन एंडलेस सीरीज ऑफ पास पेपर्स अब बहुत सारी वीडियो मैंने यूट्यूब पे देखी है वहां पर वो क्लेम करते हैं अगर आप ये पास पेपर कर लोगे जिसमें दस पेपर्स है आप हंड्रेड एंड टेन परसेंट नौ बैंड लाओगे या आठ बैंड लाओगे मैं आपको एक सरल सी टिप देती हूँ कोशिश करो लगातार इतने ज्यादा पेपर्स अगर आप करोगे सॉल्व तो आप अपने आप को थका लोगे टायर कर लोगे एग्जॉस्ट कर लोगे एंड सबसे नेगेटिव चीज होगी यू विल स्टार्ट हेटिंग आ रीडिंग आप हेट करने लग जाओगे आयल्स रीडिंग को और बहुत सारे बच्चे जो ये वीडियो देख रहे होंगे सुन रहे होंगे वो मेरी बात से अग्री करेंगे कोशिश करो कि पागलों की तरह ये मैंने एक ऑप्शन में सॉरी टिप में मेंशन किया है पहले भी अपने आप को इतना ज़्यादा ओवरबर्डन बोझ देने की कोशिश करना बिल्कुल गलत है प्लीज़ अपने आप को यू कैन से बर्डनड ना करो बोझ मत दो अपने आप पे। आपने कोई यू कैन से नेगेटिव चीज़ नहीं की है आयल्स को चुन के आयल्स एक बहुत अच्छा रास्ता है जो आपको फॉरेन कंट्री में लेके जा सकता है अपने डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला सकता है तो प्लीज आई रीडिंग से हेट मत करो एंड इतने ज्यादा एंडलेस सीरीज ऑफ पास पेपर्स अगर आप करोगे तो आप पागल हो जाओगे सो डोंट डू इट लेट्स मूव कम इट टू रीडिंग एज ऑफन एज यू कैन इसका मतलब है कोशिश करो जितना ज्यादा आप पढ़ सको उतना अच्छा अब आप बोलोगे मैम पहली वाली स्लाइड में तो आपने कुछ और बोला था यहाँ वाली स्लाइड में कुछ और बोल रहे हो आप तो मैनुपलेट कर रहे हो नहीं यहां पे मेरा मतलब है कोशिश करो इंग्लिश में कंटेंट पढ़ने की जितना आप ज्यादा पढ़ोगे मैं रीडिंग टेस्ट की बात नहीं कर रही मैं बोल रही हूँ इंग्लिश को ज्यादा अपनी नॉर्मल कॉन्वर्जेशन का पार्ट लेके आओ अगर आप इसे नॉर्मल कॉन्वर्जेशन का पार्ट ले आओगे दैट मीन्स अगर आप रोज़मर्रा में रीडिंग को एक ज़रूरी पार्ट बनाओगे इंग्लिश रीडिंग को तो आपके लिए रीडिंग पैसेजेस करना काफ़ी सरल हो जाएगा सो so, ये बहुत ज़रूरी है कि आप समझो रीडिंग आयल्स की रीडिंग काफ़ी बेसिक टॉपिक्स पर डिपेंडेंट होती है रिलेटेड होती है अगर आप ध्यान से देखो तो अगर बेसिकली रीडिंग इंग्लिश रीडिंग करने से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा क्योंकि आप हैबिचुअल हो जाओगे आदि हो जाओगे आपको आदत पड़ जाएगी एक अच्छी आदत इंग्लिश रीडिंग करने की तो अगर आप जितना ज़्यादा कर सको रीडिंग बट इंटरेस्ट के साथ इसलिए मैं बोल रही हूँ न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी नहीं है आप जैसे मैंने पहली स्लाइड में बताया था फैशन से रिलेटेड कोई मैगज़ीन पढ़ सकते हो या कोई भी स्पेसिफिक सपोज आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है आपको काफी दिलचस्पी है स्पोर्ट्स में तो आप खेल से रिलेटेड कोई मैगजीन पढ़ सकते हो बट वो इंग्लिश में होनी चाहिए राइट right? ओके okay, सबसे लास्ट टिप जो मैं अपने बच्चों को देना चाहूंगी प्लीज पैनिक मत करें प्लीज टेंशन मत ले ये सिर्फ आयल्स एग्जामिनेशन है ये एंड ऑफ द वर्ल्ड दुनिया ख़त्म नहीं हो रही है आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए मैं समझती हूँ कि आपके पैसे लगे हैं आप अगर दो या तीन बार पेपर दे चुके हैं और आपके रीडिंग में स्कोर नहीं आ रहे हैं तो आप मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हो अगर आप उसके साथ भी कंफर्टेबल नहीं हो तो अगर आप बेसिकली नहीं जाते किसी से भी बात करना तो मेरी बात ध्यान से सुनो रीडिंग इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है अगर आप प्रैक्टिस एक अच्छी आयल्स ट्रेनर के अंडर करते हो तो आपको बैंड जरूर अच्छे आएंगे बट आपको उस बंदे की बात माननी पड़ेगी ठीक है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई होप मैंने आपकी थोड़ी बहुत हेल्प की होगी रीडिंग में अगर आपको रीडिंग से रिलेटेड कोई भी सवाल है प्रश्न है तो आप मुझे पूछ सकते हो मेरा हैंडल इंस्टाग्राम पे भी है आप वहां पे भी मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम एंड टेक केयर एवरीवन